खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पोटिया प्रखंड अंतर्गत दामलबाड़ी स्थित इल्हाम एकेडमी के कार्यालय का स्थानीय विधायक इजराहुल हुसैन ने फीता काटकर विधिवत रूप से शुरुआत की। बताते चले कि इल्हाम एकेडमी के पहला सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं एकेडमी के सह संचालक शाह फैसल ने बताया कि नामांकन अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पठान की शुरुआत सरकारी आदेश अनुसार शुरू की जाएगी। जनसेतु के लिए किशनगंज से इमामुद्दीन की रिपोर्ट। तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा कि कम से कम फी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें और इलाके के ही शिक्षकों से हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी एजुकेशन को तभी हम लोग प्रखरता से बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। विकल्प के तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में बाहर ना जाना पड़े, बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में ही अच्छे से तालीम मिल जाए, पूरी तरह से कोशिश करेंगे हम लोग। और हमारी टीम भी है इतनी मजबूत कि हमें उम्मीद है कि इन हमारे उद्देश्य पर हम खरा उतर पाएंगे। जैसे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक रेशियो होता है, वैसे बच्चों के लिए जो डिजेबल हैं, वैसे बच्चे जो पुअर कैटेगरी से हैं, तो हमारी एक अपनी टीम है जो इलाके के लोगों को एवेल्युएट करते हैं, देखते हैं। अगर हमें लगेगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रियली में डिज़र्व करते हैं, जो सही मायने में गरीब हैं, तो उनको हम खुद स्कूल बुला करके उन्हें भी एक बेहतर रेशियो में जो है तालीम देने की फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कोशिश करेंगे।